भगवान बुद्ध के एक भक्त ने बुद्ध से कहा, प्रभु मुझे आपसे एक निवेदन है। बुद्ध ने कहा, बोलो भक्त। भक्त ने कहा, मेरे कपड़े काफी पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे हैं, कृपया करके मुझे नए कपड़े देने का कष्ट करें। बुद्ध ने उस भक्त के कपड़े देखे जो सचमुच काफी पुराने हो चुके थे और कई जगह से घिस चुके थे, इसलिए बुद्ध ने उस भक्त को नए कपड़े दिला दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध उस भक्त के घर पहुंचे। बुद्ध ने उस भक्त से कहा, क्या तुम अपने नए कपड़ों से खुश हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? भक्त, धन्यवाद प्रभु, मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बुद्ध बोले, तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, तो तुमने पुराने कपड़ों का क्या किया? भक्त बोले, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? भक्त ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध, तो तुमने पुराने पर्दे का क्या किया? क्या उसे फेंक दिया? भक्त, जी नहीं, मैंने उसके चार टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध बोले, तो तुमने पुराने रसोई के कपड़ों का क्या किया? भक्त, अब मैं उसे पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारे पुराने पोछों का क्या हुआ? भक्त ने कहा, प्रभु, अब वो इतना बेकार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और उसकी बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित थी। बुद्ध उस भक्त से अति प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम वस्तुओं को बर्बाद नहीं करते, उसका सही प्रयोग करते हो। अगर आपके भी घर में कोई ऐसी वस्तु बेकार पड़ी हो तो उसे फेंकने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करो।